us with you. Okay, good afternoon, everyone. Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, okay. Today there is a submission of the business studies homework na till 8 in the evening. Till in the evening, na? What we were doing yesterday? Can anybody let me know? Technique of Yes, techniques of scientific management. We have done only one technique. I think we have done two. Functional formanship. And what's the next one? Ma'am, second we have not done, only half. Only half we have done. That is simplification and standardization. Fine. To the next one. That is simplification and standardization. Fine. Chaliye, let's start with the second one. Fine. I'm going to share the screen. Just have a look. Division and simplification. What happened, Mansi? Mansi, is this visible? Mansi, is this visible? Is screen visible to everyone? Is my voice audible to everyone? Yes, is my voice audible to everyone? I think today some problem is there with the connections. Is my voice audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Chaliye, I'm going to share the screen with you. Fine. Good morning, everyone. A number of students have joined. Today, Amandeep is also there. Good morning, Amandeep. Morning, ma'am. Okay. Let's start with the techniques of scientific management. Now, is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Standard. Awaaz bataiye beta, meri voice is audible. Everything is connection is fine. Now it's fine. Okay. Can I start? Yes, ma'am. Okay. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसको हम बेटा सेकंड स्टेप से करेंगे. सेकंड पैराग्राफ से पहला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज. मींस हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो हम बिजनेस में करेंगे उसका स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए. बिजनेस एक्टिविटी कौन सी बिजनेस एक्टिविटी, उसने अगली लाइन में स्पेसिफाई किया है. इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटीरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मैथड और वर्किंग कंडीशन. These standards are the benchmarks. Benchmarks का मतलब होता है कि ये एक फिक्स होंगे, इन्हीं को देखकर हम आगे का काम करेंगे, फिक्स हो जाएंगे कि ऐसे ही होने चाहिए हमेशा. Which must be adhered to during production. Adhered मतलब इनको हमें फॉलो करना है प्रोडक्शन के टाइम. हमने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लिए कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, पर्टिकुलर ये हमारा स्टैंडर्ड होगा. जो हमारा प्रोडक्ट हो किस तरीके बनेगा, हर बार वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. The objectives of standardization are, main objectives क्या है, to reduce a given line or product to fixed type sizes and practices. उसने कहा है कि हम किसी भी product में अगर deal करते हैं तो उसको हमने reduce करना है, कम में deal करना है, ठीक है. To reduce the
टू रिड्यूस द गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स. इसका मतलब होता है बहुत सारे नंबर्स में डील नहीं करना है, लिमिटेड चीजों में डील करना है. और फिक्स टाइप होने साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेड टाइप्स की चीजें होनी चाहिए. ये नहीं है कि हमने अपनी शॉप में इतना सारा सामान रख लिया है कि हम किसी एक पे भी फोकस नहीं कर पा रहे. हमेशा लिमिटेड चीजें होनी चाहिए और फिक्स्ड होनी चाहिए. टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. उसने कहा है जो हमारे प्रोडक्ट्स और पार्ट्स होंगे उनकी हमेशा इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब कि ऐसे रखो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स जो कि आपको इजिली कहीं और से भी मिल सके. सपोज करो आपने रॉ मटेरियल को ऐसा रख लिया है जो कि सिर्फ एक ही जगह से अवेलेबल होता है, फाइन. आने वाले समय में अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो हम कहां से लाएंगे. तो उसने कहा है कि ऐसे मैन्युफैक्चर पार्ट्स और प्रोडक्ट रखो जिनकी अवेलेबिलिटी आपको कहीं और से भी हो सके. टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन क्वालिटी इन मटेरियल. आपके मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए. टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन. आपके जो वर्कर्स होंगे काम करने, वो भी जो प्रोडक्ट एस्टेब्लिश करे वो अच्छी स्टैंडर्ड का हो और आपकी मशीनरी भी गुड क्वालिटी की हो. ये ना हो कि मशीनरी बीच में ब्रेक डाउन हो जाए, आपके एक्सपेंसेस और बढ़ जाए, उधर से आपका प्रोडक्शन ना हो पाए. तो इट मीन्स स्टैंडर्ड हर चीज में होना चाहिए, ठीक है. मशीनरी में अच्छा स्टैंडर्ड की मशीनरी यूज करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप जो पार्ट्स और प्रोडक्ट्स लोगे उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और आप जिस प्रोडक्ट्स में डील करोगे उनकी लिमिटेड होनी चाहिए. लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करो लेकिन फिक्स्ड करो. सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफिशियल वेराइटी साइजेस एंड डायमेंशन. उसने कहा है सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सुपरफ्लुअस, मतलब होता है कि फालतू की वेराइटीज मत रखो, बहुत वेरियंट साइजेस मत रखो. While standardization implies devising new varieties instead of the existing one. उसने कहा simplification का मतलब है कि बहुत ज्यादा varieties मत लिखो, और standardize का मतलब है कि नई नई varieties लेके आओ instead of existing ones. अगर आपकी shop में latest varieties होंगी तभी आपकी shop में लोग आएंगे, और अगर आप अपनी शॉप में बहुत ज्यादा वैरायटीज रख दोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि मैंने किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है, और आप उतनी वैरायटीज को संभाल भी नहीं पाओगे. तो दे आर टेलिंग कि आप लिमिटेड चीजें रखिए लेकिन नई नई चीजें रखिए. सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं होनी चाहिए. उसने कहा उतनी रखो जितनी कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सको. इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर मशीन एंड टूल्स. उसने कहा अगर आप वैरायटी बहुत रखोगे, एक वैरायटी किसी एक को बनानी आती तो दूसरी को नहीं आती, आपको लेबर भी अलग रखनी पड़ेगी, मशीन भी अलग रखनी पड़ेगी, टूल्स भी अलग रखने पड़ेंगे. इससे अच्छा है कि आप लिमिटेड वैरायटी पे फोकस करो लेकिन बल्क में करो. इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमीज भी होंगी. इट implies reduced inventories. देखिए वही बात कही, इन्वेंट्री भी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप 10 चीजों में डील करोगे तो 10 का स्टॉक रखना पड़ेगा, 2 में करोगे 2 का अच्छे से रखोगे और अच्छी क्वालिटी रखोगे, और आप उन 2 के ऊपर फोकस भी बहुत अच्छे से कर पाओगे. इट implies reduced inventories, fuller utilization of equipment and increasing turnover. Turnover मतलब सेल्स. Most large companies like Nokia, Toyota and Microsoft have successfully implemented standardization and simplification. बेटा ये जो सी लाइन्स हमने लिखे ना आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत काम आएंगे, इनको लिख लो अंडरलाइन करके फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. हम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ना तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सी कंपनी फॉलो करती है, तो उसमें आपको ये क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा. This is evident from the last share in the respective market. उसने कहा simplification adopt करने से उनका market में क्या है, large share है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा limited चीजों के ऊपर ही focus करते हैं. ठीक है, तो standard simplification का मतलब क्या होता है, eliminated कर दो superfluous varieties, फालतू varieties को हटा दो. और standardization का मतलब क्या है, यहाँ पे उसने बताया गया, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है नई वेराइटीज रखो, पुरानी मत रखो, स्टैंडर्ड की चीजें रखो, नई नई चीजें रखो. फाइन, इसमें किसी को पूछना है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में? हाँ जी, किसी को कोई डाउट स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में? बेटा प्रभजोत, बेटे क्लियर हो गया स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन? मैम मेरा नेटवर्क चले गया था, मैं सुन नहीं पाई. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है, मैं बता देती हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है अननेसेसरी वैरायटीज मत रखो, सुपरफ्लुअस, बहुत ज्यादा वैरायटीज मत रखो. और स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहते हैं, नई नई चीजें रखो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ओल्ड को हटाओ. स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों चीजें हैं.
सिंप्लीफिकेशन क्या कहते हैं, बहुत अननेसेसरी चीजें नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं रखनी है. क्यों? लिमिटेड रखोगे, लिमिटेड के ऊपर फोकस करोगे और आपके एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़ेंगे. और स्टैंडर्डाइजेशन क्या कह रहा है, नई नई चीजें दो. देखो बेटा, आप उसी शॉप में जाना पसंद करते हो जहां पे आपको हमेशा कुछ नया मिलता है, तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, हम कहते हो ना कि चलो मेरे साइज की टी शर्ट लेने चाहते हैं, उसी शॉप में जाते हैं, वहां बड़ी वेराइटियां मिलेगी. तो क्या मतलब है कि आपको अपनी साइज की टी शर्ट बहुत सारी मल्क में मिलेंगी, बहुत ज्यादा वेराइटी. उसका मतलब है कि आप अननेसेसरी साइजेस रखोगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट डायमेंशंस रखोगे, तो उससे अच्छा कम लोगों को दो लेकिन उन लोगों को सेटिस्फाई करो. जैसे कि आपने देखा है बेटा, कई ऐसे कंपनीज होती हैं जो सिर्फ वुमेन प्रोडक्ट में डील करती हैं. क्यों करती हैं? क्योंकि उनका मेन फोकस क्या है, सिर्फ लिमिटेड मार्केट के ऊपर. जब हम एक लिमिटेड मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं, लिमिटेड मार्केट के ऊपर, तो हम बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, हमारे पास समय है एक चीज को बहुत अच्छे से करने का. ठीक है, तो उसने कहा है कि आपको हमेशा फोकस लिमिटेड के ऊपर करना है लेकिन बहुत अच्छे से करना है. फाइन, अगर आपका फोकस सिर्फ लेडीज प्रोडक्ट के ऊपर है तो आप उसकी ज्यादा रिसर्च करेंगे, क्योंकि आपका इतना सा ही काम है लेडीज प्रोडक्ट में रिसर्च करना. अगर आपकी शॉप में सबके प्रोडक्ट्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स, मेल प्रोडक्ट्स, फीमेल प्रोडक्ट, तो आपका जो टाइम एक में गवाना है वो आपने सबको देना है. तो पता चले कि आप किसी के पास, किसी एक सेक्शन के प्रोडक्ट्स भी आपके पास 100% नहीं है. ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कम चीजें रखो लेकिन लेटेस्ट रखो, ताकि कस्टमर आपकी शॉप में आके खरीद के जाए, हैप्पी होके जाए. ठीक है, फाइन. किसी को पूछना है बेटा इसमें स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन? आदिति, फाइन? यस आदिति, अमनदीप, मानसी, मानसी, इट्स फाइन, कैन आई प्रोसीड फर्दर? आप में से किसी की भी अच्छे से वॉइस नहीं आ रही, व्हाट हैपन? मैम आ गया. बाकी बोल क्यों नहीं रहे हैं विनीत? ओके, मैम आ गया, आ गया मैम, समझ में. ठीक है, ओके, नेक्स्ट में चलते हैं. मैम समझ में आ गया. ठीक है, हाँ जी, आगे है बेटा मेथड स्टडी. मेथड के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हमें क्या करना है, सबसे अच्छा मेथड यूज करना है. और एक वर्ड कहा था एफडब्ल्यू टेलर ने कि हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा होता है, हमेशा एक. तो आपको वो बेस्ट मेथड ही यूज करना है, बस ये है इसमें मेथड स्टडी में. आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. सिर्फ एक मेथड ढूंढना है. There are various methods of doing the job. To determine the best way, there are several parameters. उसने कहा है कि आपको हर काम करने का एक ही बेस्ट तरीका निकालना है. हर काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन आपको different parameters को लेके best way निकालना है. Right from procurement of raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is part of method study. उसने कहा है कि हर काम मेथड स्टडी के अंडर करना है. जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जब तक हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं पहुंचाते तब तक रास्ते में जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं हर किसी का बेस्ट मेथड होना चाहिए. टेलर डिवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग बेस्ट मेथड. असेंबली लाइन मतलब होता है जैसे एक एक काम को करने के डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं. हर काम का एक एक स्टेप, पहले हम पार्ट ए में जाएंगे मशीन में, फिर पार्ट बी में, फिर टू में, फिर थ्री में, फिर फोर में, इसे असेंबली लाइन बोलते हैं. ठीक है, फोर्ड मोटर कंपनी यूज दिस कंसेप्ट. देखिए फिर एग्जांपल आ गया, आप ना प्लीज इसकी एग्जांपल नोट कर लीजिए क्योंकि आपने जब प्रोजेक्ट बनाना है ना बेटा उसमें हेल्पफुल होंगी कि मेथड स्टडी कौन सी कंपनी ने फॉलो किया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन किसने फॉलो किया. फोर्ड मोटर कंपनी यूज दिस कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली. इवन नाउ ऑटो कंपनीज आर यूजिंग इट. The objective of the whole exercise is to minimize the cost of production. उसने कहा वन बेस्ट मेथड कौन सा होना चाहिए, हमेशा वन बेस्ट मेथड वो होगा जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी और मैक्सिमाइज होगा क्वांटिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर. अब बेटा बेस्ट मेथड कैसे निकालेंगे वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, जब वर्किंग स्टार्ट होगी. वी आर नॉट टू डू दैट. ठीक है, तो उसने कहा हमेशा क्या होना चाहिए, एक बेस्ट मेथड. ठीक है, बेस्ट मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेस्ट मेथड से क्या होगा,
हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगी, हमारी क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन क्या होगी मैक्सिमम. फॉर दिस पर्पस मेनी टेक्निक्स लाइक चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च आर यूज. इसके लिए हमने बहुत सारी टेक्निक स्टडी की है. बेटे आप अगर जाके ना आगे ट्वेल्थ के पास बीकॉम एमकॉम में करोगे तो वहां पे ये फर्दर स्टडीज में हम डिफरेंट मेथड्स करते हैं कि बेस्ट मेथड कौन सा होगा, ये हायर स्टडीज में आपके एप्लीकेबल होगा. फॉर डिजाइनिंग अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड एंटेल डिक्लाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन प्लेस फॉर मैन मशीन एंड रॉ मटेरियल. ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी. उसने कहा जब हमने कार डिजाइन करनी है द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड एंटेल डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. असेंबली लाइन क्या, असेंबली लाइन ये बताते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, पहले हम कौन सा पार्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, इसे बोलते हैं असेंबली लाइन. ये पूरा सीक्वेंस बताता है ऑपरेशन का. प्लेस फॉर मैन, कहाँ पे कौन सा पर्सन होगा, मशीन्स कहाँ रखनी है, रॉ मटेरियल की जगह कौन सी है, ये सब कहाँ होता है असेंबली लाइन. असेंबली लाइन में, असेंबली लाइन वो जगह होती है जहाँ पे कि हर पर्सन का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक रॉ मटेरियल की प्रॉपर स्पेस होती है और उसका प्रॉपर सीक्वेंस होता है. ठीक है, तो मेथड स्टडी में हमने क्या पढ़ा कि हर काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है और हमें बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है काम को करने का. इससे क्या होगा, बेस्ट मेथड कौन सा होता है, बेस्ट मेथड से क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होगी और साथ ही साथ हमारे कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगी और हमारे क्वालिटी के प्रोडक्ट क्या होगी, मैक्सिमम होगी. फाइन, नेक्स्ट है मोशन स्टडी. अब मैं आपके बाद आपसे पूछूंगी ये इंडिविजुअली एक एक करके कि मुझे इसका कंक्लूजन बताइए क्या है, मेथड स्टडी क्या है, मोशन स्टडी क्या है. ध्यान से सुनिए, किसी को कोई डाउट? अरे दादाजी मैम एक्सक्यूज मी. हाँ जी मैम, मेथड स्टडी एक बार आप दोबारा बता दीजिए, मैंने अभी ज्वाइन करा है. कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ बेटा. मेथड स्टडी में हमें ये बताया गया है कि हर काम को, मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड ढूंढना. जैसे कि हमें ये बता है कि हर काम करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो एफ डब्ल्यू टेलर है वो किस पे फोकस करता है कि आपने काम करने का बेस्ट मेथड ढूंढना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कौन सा काम. तो उसने कहा है जब हम रॉ मटेरियल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं, उसके बाद हम रॉ मटेरियल को जब तक हम कन्वर्ट करके कस्टमर को नहीं भेज देते, जब तक जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टिल द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर, उसके रास्ते में जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी सबका हमें मेथड स्टडी करनी है. हर काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढो, उसी से काम होगा. जैसे कि उसने कहा है कि फोर्ड मोटर कंपनी ने ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया है. फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने से क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगी और हमारी क्वालिटी मैक्सिमाइज होगी, साथ ही साथ हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी होगा मैक्सिमम. फाइन, मेथड, मेथड से सिंपल पता चल रहा है हम काम करने का तरीका, तरीका क्या होना चाहिए, बेस्ट. बेस्ट कौन सा होता है, जिसमें कॉस्ट कम होती है और सेटिस्फेक्शन ज्यादा. ठीक है नुसरत बेटा? ओके मैम. ठीक है, अब हम कर रहे हैं मोशन स्टडी. मोशन का मतलब यहाँ क्या है, मूवमेंट. बस ये पॉइंट याद रखना है आपको. हर चीज का ना बेटा अगर मीनिंग पता होगा ना तो आप बिजनेस स्टडीज में ना अगर आपने टीचर की बात सुनी है तो आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं, पर आपको चीज का मतलब पता होना चाहिए. मोशन का मतलब यहाँ है मूवमेंट. मैंने बहुत बार आगे भी डिस्कस किया है, अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए. जैसे आपने कभी बार नोट किया है सिंपल में, हम कभी कभी बच्चे घर में क्या करते हैं, घूम घूम के पढ़ते हैं अपने रूम में, तो आपके पेरेंट्स आके क्या कहते हैं, बैठ के पढ़ो थक जाओगे, थक जाओगे, यही कहते हैं ना. तो वो क्या होती है आपकी अननेसेसरी मूवमेंट्स. उनका कहने का ये मतलब होता है कि बैठ के पढ़ो थकोगे नहीं, थकोगे तो पढ़ोगे कैसे, तो इसे बोलते हैं अननेसेसरी मूवमेंट्स. ऐसे ही बेटा वर्कर्स की भी अननेसेसरी मूवमेंट्स होती है, तो हमने वर्कर की अननेसेसरी मूवमेंट को रोकना है ताकि हमारे वर्कर को फटीक ना हो, थकावट ना हो, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो थकने में ना वेस्ट हो जाए बल्कि प्रोडक्टिव काम में लगे. फाइन, अब मैं इसको पढ़ रही हूँ. मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक, अब वर्कर कैसी मूवमेंट करेगा, लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन. यही तो मूवमेंट कर रहा है, कभी वो कोई सामान उठा के कहाँ रख रहा है, कभी किसी को उठा के ऊपर वाली जगह पे लग रहा है, कभी ऊपर से नीचे लेके आ रहा है, कभी उसने अपनी पोजिशन ये वाली मशीन के पास पोजिशन है, अब चेंज करके वो दूसरी मशीन के पास पहुंच गया. ठीक है,
दीज आर द मूवमेंट्स, ठीक है, विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब. उसने कहा काम करते समय ये मूवमेंट्स वर्कर्स को करनी पड़ती है. अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब इफेक्टिवली. उसने कहा है जो फालतू की वर्कर की मूवमेंट्स है उनको खत्म करो ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए, काम थोड़े समय में खत्म हो जाए. फॉर एग्जाम्पल टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गैलेबर्थ वर एबल टू रिड्यूस मोशंस इन ब्रिक लेयरिंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 7. उसने कहा उन दोनों ने मिलके वर्कर्स क्या करते थे, ब्रिक्स लगाते थे, ब्रिक्स की कोई लेयरिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें उनके वर्कर्स की मूवमेंट थी 18 बार उन्हें अपनी मूव करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी के थ्रू वो इतनी अननेसेसरी मूवमेंट्स थी 8 को किसने कन्वर्ट कर दिया सिर्फ 5 में. टेलर डेमोंस्ट्रेटेड दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड अबाउट 4 times. ऑब्वियसली 4 गुना तो बढ़ेगी ना बेटा, आप 18 बार मुड़ोगे कहां आप 5 बार मुड़ रहे हो, ऑब्वियसली आप कितना कम थकोगे उतना ज्यादा काम करोगे. फाइन. On cross examination of body motions, for example, it is possible to find out. उसने कहा पहले तो आपने बहुत ध्यान से ढूंढना है motions which are productive. Motions मतलब होते हैं कौन सी movements worker की करने से फायदा हो रहा है. Motions which are incidental. Incidental मतलब going to store. बार बार वो काम कर रहे हैं, जो काम वो बार बार कर रहे हैं, ठीक है. Motions which are unproductive और जो बिल्कुल ही useless है. आप 3 तरीके की चीजों को ढूंढो. एक तो जिससे फायदा हो रहा है, जो इंसिडेंटल है, जो गोइंग टू स्टोर, इंसिडेंटल मतलब कि उसको जाना पड़ रहा है, और जो बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव है. इसमें हम किसको हटाएंगे, पहले तो अनप्रोडक्टिव को हटाएंगे. टेलर यूज स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस. उसने पहले क्या किया, डिफरेंट कलर से मोशंस को एड कर दिया. जैसे जो उसको प्रोडक्टिव लगी उसमें उसने ग्रीन लगा दिया, जो अनप्रोडक्टिव लगी उसमें रेड लगा दिया. इससे फिर उसको पता चल गया ना कि इतनी सारी मूवमेंट्स रेड वाली अनप्रोडक्टिव है. फिर धीरे धीरे उनको खत्म किया. थ्रू मोशन स्टडीज टेलर वॉज एबल टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू एडुकेट वर्कर्स ऑन देयर यूज. उसने कहा है उसने डिजाइन किए, इतनी जल्दी उसने मूवमेंट नहीं रिड्यूस कर पाया, उसने स्पेशल इक्विपमेंट उस पर्पज के लिए डिजाइन किए. जैसे सपोज कीजिए बेटा हमारा वर्कर ब्रिक नीचे से उठा के ऊपर टेबल पर रख रहा है, हर बार वो नीचे झुकता है फिर ऊपर होता है, फिर नीचे झुकता है फिर ऊपर होता है, तो इसमें तो वो थकेगा. तो क्यों ना हम जो ब्रिक्स हैं उसको किसी ऊपर वाले टेबल पे स्टार्टिंग में रखें, मशीन के थ्रू ऊपर ही रखें ताकि पर्सन की अननेसेसरी मूवमेंट्स ना हो. तो इस हिसाब से उसे क्या करना पड़ा, इक्विपमेंट भी ऐसे डिजाइन करनी पड़ी. द रिसीव्ड रिजल्ट्स अचीव्ड बाय हिम वर ट्रूली रिमार्केबल. तो मतलब कि दिस इज अ मोर इम्पॉर्टेंट डिफिकल्ट टास्क है बेटा जो उसने किया. मोशन स्टडी इज नॉट सो इजी कि किसी भी काम में ये ढूंढना कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन सी है, पहले तो ये मुश्किल है, फिर उन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को खत्म करना दिस इज मोर टिपिकल. खत्म करने के लिए इक्विपमेंट्स को उस हिसाब से डिजाइन करना कि वो अननेसेसरी मूवमेंट्स खत्म हो जाए. तो दिस होल क्रेडिट गोज टू F.W. टेलर. ठीक है, आपने देखा कि इसने हमेशा हर में वर्कर के बारे में सोचा है. क्यों, क्योंकि ही इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स हिज करियर फ्रॉम द लोअर लेवल ओनली. इसलिए तो उसे वर्कर के बारे में इतनी नॉलेज है, नहीं तो मैनेजर को कैसे पता कि वर्कर कितनी मूवमेंट कर रहा है. वो तो जो खुद वर्कर है, जो फॉरमैन है, जो कि हमेशा वर्कर के साथ रहता है, हमेशा वर्कर की वर्किंग्स देखता है, वो जानता है वर्कर लाइफ को. तो F.W. टेलर इज द पर्सन हु रिमेन्स वेरी क्लोज टू द वर्कर लाइक द फॉरमैन और द वर्कर. तो इसलिए ही नोज much about the worker's life. ठीक है. अब मुझे जरा सा फिर डिस्कशन कर ले. हाँ, किसी को कुछ पूछना है या मैं आपसे पूछ लूं? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? विनीत, एनी क्वेश्चन? नो मैम. ठीक है. नुजरत, एनी क्वेश्चन? नो मैम. ठीक है बेटा, अभी तक हमने कितनी की है, चलो मैं आप लोगों से पूछती हूँ. अंशदीप, आप अपने आप को स्क्रीन शेयर किया, सब वो शेयर कीजिए. स्टार्ट वीडियो. वेरी गुड. ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रभजोत. प्रभजोत, आप एक बार मुझे आइडिया दीजिए, हमने कितने वो किए हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सबसे पहले क्या थी बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को. हाँ, टाइम स्टडी, सॉरी,
नहीं अभी तक हमने क्या पढ़ी है बेटा, सबसे पहले क्या पढ़ा था? Digestion and simplification. हाँ जी ऋतिक बताएगा, आप तब तक लर्न करो प्रभजोत, मैं आपसे सारी पूछूंगी। ऋतिक कौन सी पढ़ी थी सबसे पहले बेटा? मैम फंक्शनल फोरमैनशिप। गुड, वेरी गुड फंक्शन। ऋतिक थोड़ा सा बता, सिर्फ दो लाइनों में फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा। हेलो मैम, इसमें फोरमैन इज अ लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, और वो लिंक होता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। नहीं इसमें बेसिक होता क्या है, दो चीजें हैं इसमें। मैम इसमें मैम प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। वेरी गुड, जो फैक्ट्री मैनेजर के अंडर काम करते हैं। इसमें पूरे काम को दो में बांटा गया है, प्लानिंग इंचार्ज प्रोडक्शन इंचार्ज। वेरी गुड, बस मानसी इसके आगे थोड़ा सा बताना, प्लानिंग इंचार्ज प्रोडक्शन इंचार्ज के आगे थोड़ा सा, सिर्फ एक लाइन। प्लानिंग चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर। वेरी गुड, फोर एक्सपर्ट्स। यस मैम, फर्स्ट इज कार्ड क्लिक, रूट क्लिक, टाइम एंड कॉस्ट क्लिक एंड डिसिप्लिन। एंड मैम प्रोडक्शन इंचार्ज इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर पीपल लाइक गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। वेरी गुड, यस नुसरत, यस नेक्स्ट वन हो गया। नुसरत, नो नॉट नुसरत, कुमारी नम्रता, यस कुमारी नम्रता। Yes, ma'am. हाँ जी बेटे, एक फंक्शनल फॉरमैनशिप बता दिया इन्होंने, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको ये और बताइए, और कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? हाँ बताओ नेक्स्ट। आज ही तो मैंने पढ़ाई है अभी। कुमारी नम्रता ऑन करो, एक तो सब अपनी वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर कीजिए। So that I came to know, आप कैसे बैठे हैं, आपके हाथ में कॉपी है नहीं है, how I came to know. Everyone share the start video option पे क्लिक करो। कुमारी नम्रता start video option पे क्लिक करो। हाँ अब मुझे बताओ आज क्या क्या पढ़ा, आज बताइए हमने क्या क्या पढ़ा। आप स्टार्टिंग से थे सेशन में, टाइम स्टडी। हाँ टाइम स्टडी और मैथ स्टडी। ठीक है, अच्छा टाइम स्टडी में हमने क्या पढ़ा है? स्टैंडर्ड। ठीक है, टाइम स्टडी में कुमारी नम्रता क्या पढ़ा है? अंदर गया उसने और बात की। हर्षल आप बताइए, फंक्शनल फॉरमैनशिप मानसी ने बता दी, और कुछ बताइए बेटा, कोई और टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की? हर्षल आप बताएंगे? हर्षल अनम्यूट योरसेल्फ, टेक्निक बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट की। निशा वर्मा आप बताइए, अदिति आप बताइए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ बोलो आदिति, आप बोलो पहले। मैम इसमें अभी तक हमने चार चीजें पढ़ी हैं, फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी। ठीक है, अच्छा आप इसमें मुझे मेथड स्टडी बताइए क्या है, व्हाट्स मेथड स्टडी? मैम इसमें बोला गया है कि मैटर स्टडी के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होती है, मतलब एक ही बेस्ट वे होता है जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे इसमें फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल दे रखा है कि जब ये अपनी कार मतलब बनाते होंगे, मैन्युफैक्चर करते होंगे, तो ये एक मतलब प्रोडक्शन, इनके एक प्रोडक्शन मतलब रूल होता है वो फॉलो करते हैं, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। उसमें ये होता है कि वो अपने ऑपरेशन को असेंबली वाइज करते हैं कि पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे, तो ठीक है गुड। अच्छा निशा आप मुझे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताइए। मैम इसमें मैम ये लोग अपने मतलब अपनी कंपनी का एक स्टैंडर्ड रखते हैं, अपने वर्क का एक स्टैंडर्ड रखते हैं,
उसमें मैम इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मतलब इनकी जो एबिलिटी होती है उसको इंटर उसमें इंटरचेंजेबिलिटी अपने मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। और मैम इसमें क्या कहते हैं ये भी होता है कि मतलब चीजें फिक्स है अपने मतलब हमें अपनी शॉप पे चीजें फिक्स रखनी चाहिए और ज्यादा वैरायटी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उससे हमारा जो होता है ना उससे मतलब वैरायटी ज्यादा रखने की वजह से हमारे पास कॉस्ट ज्यादा आती है, इन्वेंटरी ज्यादा लगानी पड़ती है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। यस हां इट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर कॉस्ट। ठीक है यस यस गुड। आकांक्षा गोयल। यस मैम। बेटे आप मुझे बताइए इसके बारे में, मोशन स्टडी के बारे में। मैम इन मोशन स्टडी मैम हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है प्रोडक्टिविटी एंड नॉन प्रोडक्टिविटी मूवमेंट्स, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में, मूवमेंट्स में। ठीक है गुड आगे। और मैम हमें इसमें इक्विपमेंट्स और टूल्स फर्नीचर वगैरह अच्छे से डिजाइन करने पड़ते हैं। अच्छा मनप्रीत आप बताइए, मनप्रीत मोशन स्टडी के बारे में बताइए मुझे। मैम मोशन स्टडी वो होती है जिसमें हम मोमेंट्स की स्टडी करते हैं लाइक लिफ्टिंग पुटिंग सिटिंग चेंजिंग पोजीशन। यस। और मैम ये हम तभी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मोशन ज्यादा प्रोडक्टिव है या फिर किस मोशन कौन सा मोशन विच मोशंस आर अनप्रोडक्टिव इनसे अनप्रोडक्टिव। अच्छा तो हम करेंगे क्या मनप्रीत, किसको इंक्रीज करेंगे किसको रिड्यूस करेंगे? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को क्योंकि उससे हमारे वर्कर्स क्या हैं थक रहे हैं। फाइन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हम कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे। ठीक है अब देखिए आगे एक और कर लेते हैं। यस ये था हमारा मोशन स्टडी आई हैव डन विद यू। नाउ नेक्स्ट इज द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी हमें किसी काम को करने का कितना बेस्ट टाइम होगा। बेटा इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है टाइम स्टडी से पता चलता है कि काम को कंप्लीट करने का टाइम। ठीक है अब मैं इसको पढ़ रही हूँ। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ टाइम सो हम स्टैंडर्ड टाइम करेंगे। जैसे मुझे मैंने हां जी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। इट डिटरमाइंस द स्टैंड। अच्छा फिर से शेयर करती हूँ स्क्रीन। मैम स्क्रीन तो सही है आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम। हाँ आप बताओ, मेरा तो माइक पूरा वैसे ही चल रहा है बेटे। अब आ रही है नहीं आ रही? अब आ रही है पर स्क्रीन चली गई। हाँ वो तो कोई बात नहीं आ जाएगी स्क्रीन तो फिर से। बेटा हम जब ये करेंगे ना टाइम स्टडी, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि पर्टिकुलर काम करने का टाइम है पहले से ही। ओके मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ, रीड कीजिए उसको खुद। टाइम स्टडी पढ़िए जरा, स्क्रीन तो दिख रही है ना, पढ़ो इसे खुद से। अब तो आवाज भी आ रही है आपकी। चलो अब फिर मैं जब मैं कहती हूँ खुद से पढ़ो तब आने लग जाती है ना मेरी आवाज। चलो मैं चली गई। अच्छा चलो पढ़ो आप पढ़ो, मेरी जिसको सुनेगी सुनना नहीं तो खुद पढ़ना। ठीक है बेटा इजी है, इट्स वेरी इजी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम मेजरिंग डिवाइसेज आर यूज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। हमने टाइम फिक्स करना है हर काम के लिए। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग। पूरे काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लीजिए कि पर्टिकुलर काम कितने समय में होगा। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड द टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Is to determine the number of workers to be employed. इससे हमें ये पता चलते हैं कितने लोग ये काम के लिए चाहिए। Frame suitable incentive schemes and determine labor cost. ये बहुत important है, इसे underline करना। Time study हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि एक काम के लिए कितने लोग हमें चाहिए, उस हिसाब से हम उनकी सैलरी फिक्स करेंगे और फिर हमें ये पता चलेगा कि लेबर की कॉस्ट कितनी बनी है। अब एग्जाम्पल सुनना है ध्यान से।
For example, on the basis of several observation, it is determined that standard time taken by a worker to make one cardboard is 20 minutes. एक कार्डबोर्ड बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं. ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड टाइम है. क्लियर हो गया? एक कार्डबोर्ड बनाने के लिए कितने लगते हैं? 20 मिनट. इन वन आवर ही विल मेक 3 बॉक्सेस. ठीक है, उसने कहा है 20 मिनट एक के लिए, एक 20 मिनट में एक बनता है, तो उसने अंदाजा लगा दिया कि एक घंटे में हम कितने बॉक्सेस बना देंगे? 3. ठीक है, उसने अंदाजे से किया. Assuming that a worker has to put in 8 hours. अब वो एक घंटे में कितने बना रहा है? एक घंटे में 3 बॉक्स बनाएगा, तो 8 घंटों में कितने बनाएगा? 24. ठीक है. Put in the 8 hours in a shift and deducting 1 hour for the rest. 8 घंटों में से उसने सोचा कि मेरा वर्कर पूरा 8 घंटे काम पे आएगा, तो एक घंटा तो बीच में आराम आ जाएगा ना बेटा. कभी 10-20 मिनट का गैप, कभी 15 मिनट का, कुछ भी लगा के वो 7 घंटे काम करेगा. तो एक घंटे में 3 डिब्बे बनाएगा, तो 7 में कितने बनाएगा? 21. ठीक. अ वर्कर मेक्स 21 बॉक्सेस. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड वर्कर रिसोर्ट. तो इसे हमें पता चला कि मेरे हर रोज एक वर्कर 20 बॉक्सेस बना के जाए. उसने ये टाइम स्टडी का रिपोर्ट जो है, इसे ये पता चलता है कि बिल्कुल आवाज कट गई. ओके, इसे टाइम स्टडी इज वेरी असेंशियल, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हम एक काम के लिए क्या टाइम फिक्स करेंगे और साथ में हमें एक काम के लिए कितने लोग चाहिए, और उसी से हम उनकी सैलरी भी फिक्स करेंगे और हमें खुद को लेबर की कॉस्ट भी पता चलेगी. तो आपने टाइम स्टडी में क्या लिखना है? हाँ मैम, उन्होंने एक आर डिडक्ट कर दिया ना कि उसका रेस्ट और लंच. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो 7 × 3 = 21 की है ना, क्योंकि बेटा कोई भी वर्कर काम करने आएगा 8 के 8 घंटे तो काम नहीं करेगा ना. तो उसने 7 × 3 = 21, तो उसने कहा है. इससे हमें ये पता चल जाएगा ना टाइम स्टडी से कि एक काम कितनी देर में कंप्लीट होगा. हमें ये बताना पड़ेगा ना बेटा वर्कर को कि तूने आज इतना काम करके जाना, नहीं तो कोई तो 10 डिब्बे बना के चला जाएगा, कोई 5, कोई 6, फिर हम सैलरी कैसे देंगे. तो हमेशा हमें एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना पड़ेगा और ये वर्कर्स को बताना पड़ेगा कि आपने आज के दिन में ये काम करना है, जहां हमें बताना पड़ेगा. एक वीक में इतना काम करना है, जहां हमें बताना पड़ेगा. एक महीने में इतना काम करना है, वो बताना पड़ेगा. दैट इज टाइम स्टडी. फाइन. ओके मैम. अब ये बता दीजिए कि जितने आज किए उसमें से किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है, देन लेट मी नो. हाँ, फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद क्या किया? मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी. अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा फटीक स्टडी, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. अच्छा, रिगार्डिंग द होमवर्क, टुडे इज द टुडे यू हैव टू सबमिट द होमवर्क ऑफ बिजनेस स्टडीज. हो गया होगा सबका? मैम भेज दिया मैंने. प्रभजोत आपका हो गया? मैम मैंने भेज भी दिया आपको. ठीक है, मैंने नुजत का देख लिया था और किसका देखा था? मानसी का देखा था. मैं आपका भी चेक कर लूंगी. आप लोगों ने तो मानसी नुजत कल ही भेज दिया था ना मुझे? मैंने रात को भेजा था. मतलब ठीक है, मैंने देखा नहीं है बेटा, अभी मैं देख लूंगी. ठीक है, और व्हाट अबाउट अदर्स? ऋतिक, नम्रता, नुजत, आप लोग भेजोगे? मैम आज भेज देंगे. ठीक है, आज भेज देंगे. हाँ बिल्कुल, आज बेटा फाइनल भेजना है आप लोगों ने. ठीक है, इतने भी. हाँ जी मैम, लॉन्ग आंसर्स बचे हैं, मैं आपको भी थोड़ी देर में भेज दूंगी. ठीक है मैम. और अकाउंटेंसी का भी करना स्टार्ट कर दीजिए. अकाउंटेंसी. हाँ बोलो. एक्सक्यूज मी मैम, कल मैंने आपको होमवर्क भेजा था दिन में, तो मेरा जो आउटबॉक्स है उसमें मैम सिर्फ एक ही फाइल जो मैंने सेंड करी थी वो शो कर रहा है, बाकी आपके पास आई क्या? मैं चेक करती हूँ. मैंने बेटा कल रात को किया था, शाम को, उसके बाद देखा नहीं है. मैं देखती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी चेक करके बेटा, है ना. मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया ना, क्योंकि मैम मैंने अकाउंट्स के 7 क्वेश्चंस भेज दिए थे, बट उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट शो कर रहा है. अच्छा, 7 शो कर रहा है. चलो ठीक है, मैं देखती हूँ बताऊंगी फिर. आकांक्षा आपने भी भेज दिया? ठीक है बेटा फाइन. अच्छा ठीक है मैम, अकाउंट्स के कितने करने हैं मैम? 9 करने हैं बेटा. 9 तो हो गए. हाँ बस 9 करके मुझे भेज दो, और आगे भी ट्राई कर लेना विनीत, अगर कर पाए आप तो, है ना बेटा. आगे भी ट्राई कर लिए थे मैम, वो पूछ रहा था बस कितने भेजने हैं. अच्छा ठीक है, ठीक है 9 भेजने हैं, बाकी अगर कोई और आगे कर पड़ता है तो दैट पर्सन कैन आल्सो ट्राई. फाइन मैम. मेरी मैम बिजनेस की बुक में मैम 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं मैम, वो मैम हाँ वो मानसिक वाले. ठीक है 10 ही भेज दो जितने आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. जो मेरे में 17 है ना, वो दो तो एक्टिविटीज ही है,
मैंने भी देखी है ना, मैंने आपको कहा था ना मैं देखूंगी कि अगर मुझे ट्रूथफुल लगेंगी, फ्रूटफुल लगेंगी तो मैं आपको भेज दूंगी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो 10 है वो भी सफिशियंट है, फाइन। तो आपके पास बुक में जितने क्वेश्चन है सेंड मी लाइक दैट ओनली, वो मुझे वो भेज दीजिए, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन मैम? ओनली क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन आंसर बस। हाँ जी, अगर आपने पहले कुछ लिखा हुआ है तो वो भी चाहे भेजना भेज दो, पर मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो 100% चाहिए बेटा। हाँ जी वांसी मैम, अकाउंट्स के जो 9 क्वेश्चन तक तो करने हैं, उसके बाद जो पीछे के थ्योरी के नोट्स है वो बनाने हैं? नहीं नहीं, नो नो नो, ओनली न्यूमेरिकल। ठीक, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं बस, ठीक है। थ्योरी के नोट्स नहीं बनाने, न्यूमेरिकल। मैम जो आपने कल अकाउंट्स का होमवर्क दिया था, क्या कह रही हो मानसी? कल जो अकाउंट्स का होमवर्क दिया था आपने, हाँ मैम, उसमें वो जो दो क्वेश्चन रह गए थे मैंने भेजे नहीं, मैम वो आज मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, फाइन, उसी में भेजना बेटा, एडुनेक्स में ही भेजना सब कुछ, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, सुनो, अगर कोई पर्सनल क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, फिर आप मुझे पर्सनली भेजोगे, लेकिन अगर होमवर्क भेजना है तो एडुनेक्स में भेजोगे, ठीक है मैम। हाँ जी निशा मैम, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है मैम, इसमें से आधे से ज्यादा हम लोगों ने नोट्स में लिख लिया है। हाँ, तो नहीं लिखने, तो फिर नहीं लिखने। ओके ओके ठीक है, आधे से ज्यादा लिख लिया तो बार बार नहीं लिखने। मैम मैंने नई बनाई है मैम, उसमें क्या करूं, मेरा तो पहला पन्ना काम में आएगा मैम। बेटी आप ऐसे करो ना विनीत, फर्स्ट चैप्टर मत करना, ये सॉरी फर्स्ट ही तो कर रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आप पीछे के क्वेश्चन आंसर कर लो बस, पहला छोड़ दो। ठीक है, पहला छोड़ दो। अब आप जो नई कॉपी बना रहे ना बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके भेजो बस, ठीक है, क्योंकि मैम नोट्स तो मैंने उधर वाली कॉपी में बना लिए मैम। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो जब हम उधर जाएंगे तब सोचेंगे, पता नहीं कब जाएंगे, है ना, वो तब मैम हो जाएगी। चलिए ओके देन, फाइन, वी कैन लीव द सेशन नाउ। ओके थैंक यू मैम।